आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ज्यादा टेस्टी और इजी परोड़े की सब्जी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ज्यादा टेस्टी परोड़े की सब्जी की रेसिपी। अगर आपको परोड़ा खाना नहीं पसंद तो डेफिनेटली आप मेरे तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी आसान और टेस्टी बहुत यमी बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 500 ग्राम परोड़ा अच्छे से धोकर ले लेने हैं, और जो उसका ऊपर का पार्ट है उसे हमें निकाल देना है और इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, आप ऊपर का पार्ट मैंने निकाल दिया और इसे हम 4 टुकड़ों में लंबाई में कट कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा है तब आप इसे 5 से 6 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो पीसेस है वो बिल्कुल स्लाइसेस होने चाहिए, पतले होने चाहिए। पतले अगर आप कट करेंगे तो ये काफी जल्दी पक जाएंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी कट के तैयार है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसे पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे और हमारी सब्जी डाल देंगे। सब्जी के साथ प्याज भी डालना है। प्याज और जो परोड़ा है उसे हम साथ में अच्छे से पहले फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी में। अब हम डालेंगे नमक, साथ में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इतने ही मसाले डालने और अच्छे से हमें मिक्स करते हुए इसे 4 से 5 मिनट भून लेना है, जब तक कि जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन कलर की चेंज नहीं हो जाती और जो हमारी सब्जी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अगर आप इस तरीके से परोड़े की सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और टाइम भी बचेगा। जब तक हमारी सब्जी बन रही है हम यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए 2 प्याज, साथ में 5 से 6 करी लहसुन, 1.5 चम्मच के करीब धनिया डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हम स्मूथ इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ हमने पेस्ट बनाया है, बिल्कुल आपको स्मूथ बनाना है, दरदरा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए सब्जी भी काफी हद तक पक चुकी है, देख सकते हैं 80% लगभग सब्जी पका लेनी हमें ऐसे ही। ये देखिए प्याज भी गोल्डन चेंज हो गए, परोड़ा भी अच्छे से पक गए। अब हम इन्हें रख देते हैं साइड में। कढ़ाई में हम 4 से 5 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होते ही आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ में 2 पिंच हींग डाल देंगे। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हमारे मसाले का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि जो सब्जी है वो जले नहीं। इसके बाद हम नमक, हल्दी, साथ में लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले के साथ भून लेना है। तो पहले इसे हम मिक्स करेंगे, इसके बाद फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे और हम ढक के इसे भूनने देंगे जब तक कि जो मसाला है वो क्वांटिटी में कम नहीं हो जाता। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मसाला है देख सकते हैं काफी कम हो गया पहले से क्वांटिटी में और अच्छे से भुन गया। ये देखिए आप, कलर भी चेंज लग रहा है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, जो टमाटर है वो मीडियम साइज का था इसीलिए हमने 1 लिया है। अगर टमाटर आपके पास छोटे हो तो आप यहाँ पे 2 टमाटर का यूज करें। अब हम ये सब्जी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जो टमाटर है उसे हमें ज्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि सब्जी के साथ ही वो पक जाएगा। अभी हम लेड लगा के सब्जी को पकाएंगे जब तक कि मसाले के साथ सब्जी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखना है और यहाँ पे सब्जी भून ली है थोड़ी देर। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी ज्यादा नहीं डालना है, केवल इतना डालना है कि हमारी सब्जी करीबन 10 मिनट अच्छे से पक जाए और नीचे कढ़ाई में लगे नहीं, बस उतना ही पानी डालना है। अच्छे से मिला के हम यहाँ पे लगा देंगे लेड और इसे पकाएंगे करीबन 10 मिनट। और फ्रेंड्स, 10 मिनट कंप्लीट हो गए। ये देखिए आप, सब्जी जो है बहुत अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं परफेक्ट हमारी परोड़े की सब्जी बन के तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और ये देखिए आप, दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है, बनाने में काफी कम टाइम लगा, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कितने कम टाइम। और बहुत साथ में हम पराठे सर्व करेंगे और इसके साथ ये सलाद। तो आप एक बार परोड़े की सब्जी बना के अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।